Once again, I welcome you in my YouTube channel. अब आगे जो है हम लोगों ने ये टेबल एम्प्लॉय टेबल पढ़ाए थे, आईडी नेम सैलरी एंड एज. हमने एक दूसरा सेम ही टेबल बनाया, थोड़ा सी वैल्यू बस हो सकता है चेंज. अब आगे जो है हम लोगों ने सबसे पहले सेलेक्ट सबसे पहले क्रिएट टेबल कमांड पढ़ा, फिर क्रिएट टेबल के बाद इंसर्ट इनटू कमांड, फिर सेलेक्ट कमांड, और सेलेक्ट कमांड के बाद सेलेक्ट कमांड में ही हमने फिर बिटवीन और कई सारे कमांड्स को पढ़ा, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड और नॉट को भी पढ़ा. अब आगे हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इन ऑपरेटर. इन ऑपरेटर और इन ऑपरेटर जो होता है, ये जो इन ऑपरेटर है ये भी हमेशा सेलेक्ट के साथ यूज किया जाता है. सेलेक्ट के साथ इसको यूज करेंगे, और इन ऑपरेटर हमेशा कैरेक्टर्स के साथ वर्क करता है, हमेशा कैरेक्टर स्क्रिप्ट के साथ वर्क करेगा. सपोज करिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे हमको उन इम्प्लॉयों की सैलरी डिस्प्ले करना है जिसका नाम मोहन और सोहन है, ठीक है, तो इसके लिए हम क्वेरी लिखेंगे कि टू डिस्प्ले, क्वेश्चन हमारा होगा टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय whose name is Mohan and Sohan. ठीक, तो इस तरह से ये हमारी क्वेरी है, टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हुज नेम इज मोहन एंड सोहन, करेक्ट. अब इसका आंसर जो हम लिखेंगे, अब यहीं पे इन ऑपरेटर आता है, और इन ऑपरेटर हमेशा मोर देन वन कैरेक्टर फील्ड के साथ वर्क करता है. अब इसका आंसर हम लिखेंगे सेलेक्ट. अब हमने बताया था कि हम सारे डिस्प्ले द डिटेल, सारा डिस्प्ले डिटेल करने, सारे डिटेल्स को डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने स्टार लगाते हैं, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक स्टार फ्रॉम टेबल का नाम है EMP. कंडीशन क्या होगा, वेयर सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP, वेयर किसका डिस्प्ले करना है, जिसका नेम, वेयर नेम इन ब्रैकेट में सिंगल कोट्स में मोहन कॉमा सिंगल कोट्स में ऐसा, और फिर लास्ट में हमारा क्या लग जाएगा, सेमीकोलन. तो इस तरह से हम उस एम्प्लॉय को डिटेल डिस्प्ले कर सकते हैं जिसका नाम मोहन एंड क्या है, सोहन. इसी तरह से सेम कंटिन्यूटी में एक क्वेरी और आता है कि हमको उनका डिटेल डिस्प्ले करना है जिसका नाम रवि और अंकित, या जिसका नाम अमित और अंकित नहीं है. तो अब नहीं है तो नहीं का मतलब इसमें क्या हो जाएगा, नॉट. तो यानी हमको क्वेश्चन है, मेरा क्वेरी है टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉय हुज हुज नेम नॉट अमित एंड, मतलब हमको उसका डिटेल डिस्प्ले करना है, उनको उसका डिटेल डिस्प्ले करना है जिसका नाम अमित और अंकित नहीं है. तो अब अमित हम देखेंगे, यहाँ पे अमित और अंकित नाम नहीं है, यानी इसका मतलब क्या होगा, नॉट हो जाएगा, यानी अमित और अंकित का हमको रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं करना है, इसका सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा. और ये तीनों रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, तब हम क्वेरी क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक From EMP where not name in single quotes में, where not name in Amit comma Ankit, then सभी बोलो. तो जैसे ही ये लाइन हम लिखेंगे इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा
कि अमित और अंकित का रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं होगा, इसका मतलब कौन कौन से रिकॉर्ड डिस्प्ले होंगे, इसका मतलब हमारा रिकॉर्ड 1002 हो जाएगा, 1003 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा और 1004 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा और अमित और अंकित वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं, ठीक है। अब इसके बाद इन ऑपरेटर के बाद आता है नेक्स्ट जो आता है वो आता है टेबल। इसके बाद इन के बाद जो है इन ऑपरेटर के बाद आता है कुछ इसमें एसक्यूएल में प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जिनको हम एग्रीगेट फंक्शंस के नाम से जानते हैं। तो अब उन फंक्शंस के बारे में हमको पढ़ना है और वो जो फंक्शंस है वो सारे फंक्शंस इस टेबल पे वर्क करते हैं, इस टेबल पे वर्क करेंगे। अब उसके बारे में पढ़ लेंगे। अब इसको हम जिसको हम बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। अब एग्रीगेट फंक्शंस में सबसे पहला जो फंक्शन आता है, सबसे पहला जो फंक्शन होता है दैट इज मीन फंक्शन, दैट इज मीन फंक्शन। तो मीन फंक्शन क्या होता है, मीन फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन विच इज यूज फॉर कलेक्टिंग कलेक्टिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम, मिनिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम एंड ऑल्सो रिटर्न द मिनिमम वैल्यू। सपोज करिए अगर हम इस टेबल में अप्लाई करते हैं, हम इसका सिंटेक्स लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, फिर कॉलम का नाम हम लिखेंगे सेलेक्ट मीन, ब्रैकेट में उस कॉलम का नाम हमने किस फील्ड पे अप्लाई किया, सैलरी पे। तो सेलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम हो जाएगा ईएम। अब ये मोस्टली नंबर्स पे वर्क करता है, इस पे वर्क करेगा नंबर्स पे। तो सेलेक्ट मीन सैलरी फ्रॉम ईएमपी, जैसे ही हमने ये लाइन लिखा ये क्या करेगा, मिनिमम सैलरी टर्न करेगा। तो मिनिमम सैलरी कितनी है, इसमें इस सैलरी कॉलम में मिनिमम जो सैलरी है वो है 8000। इसका आंसर क्या आ जाएगा, आंसर इज 8000। अगर हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दिया सेलेक्ट के साथ, अगर हमने मीन के साथ कंडीशन लगा दिया, कंडीशन अगर इस तरह से लगा दिया सेलेक्ट मिनिमम ब्रैकेट में एज फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000। इट मींस क्या होगा कि जिसकी सैलरी 10,000 से, जिसकी सैलरी सेलेक्ट मिनिमम एज फ्रॉम ईएमपी वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, यानी 10 जिसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है उसका मिनिमम एज रिटर्न करेगा। तो किसकी सैलरी 10,000 से ज्यादा है, 10,000 की सैलरी वाले में 20,000 है, 12,000 है, 15,000 है, 18,000 है, ये हमारे पास चार रिकॉर्ड है। इस चार रिकॉर्ड में जो मिनिमम सैलरी है, मिनिमम सैलरी किसकी है, 20,000 का 35, 12,000 का 28, 15,000 का 27 और 18,000 का 24, यानी मिनिमम जो एज है वो हमारा कितना है, 24 है। यानी इसका आंसर जो आएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये जो रिटर्न करेगा एसक्यूएल ये आ जाएगा, इसका आंसर 24 आ जाएगा। तो बोर्ड के क्वेश्चंस में इसी तरह के टेबल्स पे कुछ आउटपुट के भी क्वेश्चन आते हैं, फंक्शंस दिया दिए रहेंगे, इस तरह का स्टेटमेंट दिया रहेगा, टेबल दिया रहेगा और उसपे क्या करना रहेगा, हमको इस क्वेरी के हिसाब से इसका आंसर निकालना रहेगा। अब नेक्स्ट इसी तरह से कमांड एक और आता है, मीन के बाद होता है मैक्स कमांड। अब मैक्स क्या करता है, ये भी एक एग्रीगेट फंक्शन है, मीन भी एक एग्रीगेट फंक्शन है, नाम से ही लग रहा मैक्स, मैक्स का मतलब क्या होगा, इट रिटर्न द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम। ये क्या करता है, एक मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है, इट रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू। सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमने लिखा सेलेक्ट मैक्स ब्रैकेट में एज फ्रॉम EMP. अब जैसे ही हमने ये लाइन लिखा सेलेक्ट मैक्सिमम एज फ्रॉम ईएमपी, इट रिटर्न द मैक्सिमम एज इट रिटर्न द मैक्सिमम एज इन द कॉलम ऑफ एज। तो मैक्सिमम एज कितना है, 35, यानी इसका आंसर जो रिटर्न होके आएगा वो आ जाएगा 35। इसी तरह से सपोज करिए अगर हमने बोला इसमें हमको मैक्सिमम सैलरी फाइंड करना है, इसकी कितनी सैलरी फाइंड, मैक्सिमम सैलरी फाइंड करनी है जिसकी सैलरी जिसका एज 25 से अबव होगा, अगर इस तरह का लिखा हुआ स्टेटमेंट है, जैसे लिखा है सेलेक्ट मैक्सिमम ब्रैकेट में सैलरी फ्रॉम ईएमपी
where age is greater than 25. Any select maximum salary from EMP where age is greater than 25. यानी इसमें मैक्सिमम एज हमको रिटर्न करना है जिसका एज 25 से एवं मैक्सिमम सैलरी रिटर्न करनी है जिसका एज 25 से एवं है. तो हम देखेंगे 25 से एवं वाले में 35 भी है, 20,000, 28 है, 12,000, 27 है, 15,000 और 31 है 8,000. तो मैक्सिमम सैलरी कितनी है 25 से एवं वाले में 35 का है और एज उसकी सैलरी भी क्या है 20,000. तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना कितना आ जाएगा, हाउ मच, 20,000 आ जाएगा. तो इस तरह से हम मिन और मैक्स फंक्शंस को यूज कर रहे हैं. इसी तरह से कुछ और फंक्शंस भी हैं जो है जो जिसके बारे में हमको बताना है. इसके बाद जो इन एग्रीगेट फंक्शन देयर इज अनदर फंक्शन दैट इज सम फंक्शन. सम फंक्शन इट इज ऑल्सो अ प्री डिफाइंड फंक्शन एंड you know that the sum function, you have already know that sum function calculate the sum of a particular column. For example, suppose करिए अगर लिखा हुआ है select sum salary from EMP where age is greater than select sum of salary from EMP where age is greater than 30. अब इसमें क्या होगा जिसका उनको उनकी सैलरी का सम कैलकुलेट करना है जिसका एज 30 से क्या है अबव है. तो 30 से अबव में हम जब जाएंगे तो हमारे पास दो रिकॉर्ड मिलेंगे, 35 और एक 31. अब इन दोनों की सैलरी का सम यानी इट मीन्स 20,000 एंड 8,000 यानी 20 एंड 20 और 8,000 यानी इट मीन्स 28,000. This is the answer. 28,000 आ जाएगा. इसी तरह से सम के बाद एक फंक्शन आता है. सम के बाद है यानी सम फंक्शन क्या करेगा जिस 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 कॉलम पे ये अप्लाई किया जाएगा उसका सम कैलकुलेट करेगा. सम के बाद एक फंक्शन आता है एवीजी. एवीजी एवरेज एवरेज दिस फंक्शन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज. दिस फंक्शन इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम. अगर किसी कॉलम का हमको एवरेज निकालना है तो हम इस सम फंक्शंस एवरेज फंक्शंस को यूज करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने लिखा सेलेक्ट एवीजी ऑफ एज फ्रॉम ईएमपी वेयर सेलेक्ट एवीजी फ्रॉम ईएमपी वेयर एज इज लेस देन. यानी हमको क्या करना है हमको एवरेज निकालना है. किसका एवरेज निकालना है उन्हीं उन्हीं का एवरेज निकालना है जिनका एज 30 से कम है. अब 30 से कम वाले में लेस वाले में क्या आएगा 28, 27 एंड 24. अब ठीक है इसका आंसर क्या हो जाएगा इन तीनों को ऐड करके 28 प्लस 27 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 3. अब जो आंसर आएगा इसका वो आंसर हो जाएगा. इसी तरह से एक फंक्शन आता है काउंट फंक्शन. काउंट ब्रैकेट में स्टार. काउंट फंक्शन क्या करता है नाम से अगर काउंटिंग इट कैन काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. द काउंट फंक्शन यूज फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल सपोज यू वॉन्ट टू काउंट the record in the table employee which age is more than 30. हमको उनका रिकॉर्ड काउंट करना है जिनका एज 30 से क्या है एवर 30 एवर वाल में कितने एम्प्लॉइज हैं. तो हम लिखेंगे select count age from या select star sorry select star from EMP where age is greater than 30. यानी select count strict from EMP where age is greater than 30. यानी इसका मतलब ये count करेगा कि कितने लोग का age 30 से above है. तो हम counting में जाएंगे तो 35 और 31 दो employee ऐसे हैं जिनका age 30 से क्या है above है. It means इसका answer हमारा आ जाएगा
इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2, एक और कॉम्पोनेंट। इसी एग्रीगेट फंक्शन में एक आता है डिस्टिंग कीवर्ड। डिस्टिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है डिस्टिंग कीवर्ड। डिस्टिंग वाले में क्या होता है, जैसे मान लीजिए लिखा है सेलेक्ट डिस्टिंग। डिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड होगा उसको वो वन बार काउंट करता है। डिस्टिंग का मतलब कि जो भी चीज कोई अगर डुप्लीकेट लिखा हुआ है दो बार आया हुआ, जैसे मान लीजिए यहीं पे 18,000 आया हुआ, दो बार दिख रहा है सैलरी दो बार आई हुई है, ठीक है, दोनों का डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, तो डुप्लीकेट को क्या करता है वो एक बार काम नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए लिखा है सेलेक्ट काउंट ब्रैकेट में सैलरी कॉमा डिस्टिंग, डिस्टिंग फ्रॉम ईयर। अब ये क्या करेगा कि सैलरी को काउंट करेगा, लेकिन अब यहां पे जब सैलरी को काउंट करेगा तो उसके पास 1, 2, 3, 4, 5 रिकॉर्ड है, लेकिन जब हम डिस्टिंग लगा देंगे वो भी किसके साथ लगा रहे हैं, सैलरी के साथ लगा रहे हैं, तो इसका आंसर सिर्फ ये 4 रिकॉर्ड को डिस्प्ले करेगा। ये सिर्फ क्या करेगा, 4 रिकॉर्ड को डिस्प्ले करता है। इसी तरह से अगला जो कमांड है, नेक्स्ट कमांड है, दैट इज, इसमें कुछ इसी तरह से कुछ कैरेक्टर्स फंक्शन होते हैं सेलेक्ट में। इसमें एक और आता है फंक्शन, दैट इज लाइक कमांड। लाइक कमांड बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लाइक। अब लाइक के साथ खासियत ये होती है कि हमेशा ये कैरेक्टर्स के साथ वर्क करता है। अब जैसे हमने मान लीजिए आपसे बोला कि जिसका हमको टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ इम्प्लाई हुज नेम स्टार्ट विद ए, जिस मतलब ऐसे इम्प्लाईयों का डिटेल डिस्प्ले करना है जिसका रिकॉर्ड जो है जिसका नेम जो है ए से स्टार्ट होता है, तो क्या करेंगे, क्वेश्चन इसका भी ऐसे आएगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा कि टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉई, टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉई हुज नेम इज स्टार्ट विद ए कैरेक्टर। और ये हमेशा कैरेक्टर्स के साथ वर्क करता है, सर्चिंग करता है, कैरेक्टर के साथ वर्क करता है, तरह से सर्चिंग करता है। अब हमको डिस्प्ले करना है डिस्प्ले द डिटेल ऑफ एम्प्लॉई हुज नेम स्टार्ट विद ए कैरेक्टर। अब इसका आंसर हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्टेट फ्रॉम ईएमपी वेयर नेम लाइक, ऐसे देखिए नेम लाइक इस तरह लिखेंगे लाइक, और सिंगल कोट्स में किससे स्टार्ट हो, ए से स्टार्ट हो, जिसका कैरेक्टर किससे स्टार्ट हो, ए से, ए कैरेक्टर से स्टार्ट हो, तो सिंगल कोट्स में लगा के हम ए और उसके आगे क्या लगा देते हैं, ऐसे परसेंट साइन लगा देते हैं। तो जैसे ही ये परसेंट साइन लिखेगा लगाएंगे, यानी ए के बाद कोई भी कैरेक्टर हो, ए के बाद अमित हो, अमन हो, अजय हो, अरुण हो, कोई भी हो, कितने भी लेंथ का कैरेक्टर हो, वो सारे रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे जिनका नेम ए से स्टार्ट होता है। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको देखना है कि जिसका नेम बी से स्टार्ट होता है, तो हम बी की जगह पे यहाँ पे ए की जगह पे हमको सिंपली क्या लिख देना है, बी परसेंटेज होता है। तो लाइक ऑपरेटर जो होता है वो दो तरीके से, कई तरीके से यूज किया जा सकता है। इसी में एक एग्जांपल और आता है, अगर मान लीजिए सपोज करिए कि इसमें क्वेश्चन है टू डिस्प्ले डिटेल ऑफ employee whose name second character is A, second character is A, मतलब हमको उसका record display करना है जिसका second character क्या हो, A हो। second character A का मतलब जैसे देखिए रवि में second character A है, और राम में होता है, जैसे राम हो गया,
राम में भी सेकंड कैरेक्टर क्या होता है, ई है। इसी तरह से रवि में भी सेकंड कैरेक्टर ई है, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो अब उसके लिए देखिए क्या लिखते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ई एम पी वेयर, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ई एम पी वेयर नेम लाइक, ऐसे सिंगल कोट्स में। अब ये कह रहा है कि पहला कैरेक्टर कुछ भी हो, पहला कैरेक्टर वो या ए से स्टार्ट हो या बी से स्टार्ट हो या सी से स्टार्ट हो, लेकिन सेकंड कैरेक्टर क्या होना चाहिए? सेकंड कैरेक्टर देखिए लिखा है इज ए, ए होना चाहिए, सेकंड कैरेक्टर इज ए। तो देन सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ई एम पी वेयर नेम लाइक कोट्स, सिंगल कोट्स में एस एम लिखेंगे, अंडर स्कोर और फिर उसके बाद हम लगाएंगे ए और फिर हम लगा देंगे परसेंट और देन सेमी कोलन। इस तरह से ये होगा, इस तरह से हो गया, यानी इसका मतलब पहला कैरेक्टर कुछ भी हो लेकिन सेकंड कैरेक्टर क्या हो, ए हो, और उसके बाद कोई भी लंबी, कितनी भी लंबी स्ट्रिंग हो, ये हमारा रिकॉर्ड क्या करेगा, पूरा डिस्प्ले करेगा जो है। इसी तरह से अब अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और अगर मेरा ये सब समझ में आ रहा हो तो आप लोग हमारे वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 5 में। ओके, थैंक यू।